हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल रश्मीज़ वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाउंटी बार्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप और 1/4 कप नारियल का बुरादा। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और मिलाते जाना है, और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। अब इस मिक्सचर से हम छोटे छोटे बॉल्स लेके और इसे बाउंटी बार का शेप दे देंगे, और इसे फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। तब तक हम ले लेंगे चॉकलेट, और मैंने 200 ग्राम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था, 30 सेकेंड के लिए पहले रखा था चॉकलेट को, फिर उसे निकाल के एक बार चला के फिर से 30 सेकेंड के लिए रख दिया था। तो ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम कोकोनट के जो बार्स बना के हमने रखे थे, उन बार्स को इसमें डिप करते जाएंगे, और चॉकलेट से इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए, फिर निकाल के इसे बटर पेपर पे रखते जाएंगे। सारे चॉकलेट बाउंटी बार्स को इसी तरह से तैयार कर लेना है, और इसके बाद इसे हम रख देंगे फ्रिज में। 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारे चॉकलेट बाउंटी बार्स बनके बिल्कुल तैयार हैं, और किनारों पे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स लगी हुई हैं, इसे आप नाइफ़ की हेल्प से हटा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और अच्छी रेसिपी है ये, और बिल्कुल आसान है इसे बनाना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।